प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने आज हिमाचल विधानसभा सचिवालय में राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है। नामांकन प्रक्रिया विधानसभा सचिव की उपस्थिति में पूरी की गई। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर व बीजेपी अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर सिकंदर कुमार एक साधारण एवं गरीब परिवार से हैं और अपने संघर्ष से वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। सिकंदर कुमार अनुसूचित जाति वर्ग से हैं और उन्होंने इस वर्ग के लिए बहुत काम किया है। पूर्व में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। डॉक्टर सिकंदर संगठन को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि सिकंदर कुमार ने राज्यसभा टिकट नहीं मांगी थी, पार्टी ने खुद उनका चयन किया था। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट जो हाल ही में खाली हुई थी, उसको भरने की प्रक्रिया के रूप में आज एक नॉमिनेशन भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रोफेसर सिकंदर जी का हमने किया है और मैं केंद्र के नेतृत्व तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित भाई जी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हिमाचल प्रदेश से इस राज्यसभा की सीट के लिए प्रोफेसर सिकंदर जी को प्रत्याशी के नाते घोषित किया। और प्रोफेसर सिकंदर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही ऐसे साधारण गरीब परिवार से आगे बढ़कर के संघर्ष करते हुए अपना पढ़ाई का दौर पूरा करने के बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के नाते अपने दायित्व का निर्वहन करें। और यह हमारे लिए खुशी की बात है कि अनुसूचित जाति से संबंध रखते हुए इन्होंने अपने उस वर्ग के लिए, जब संगठन में भी थे उस वक्त भी बहुत बड़ा काम किया। आप अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और उस वक्त बहुत बेहतरीन काम किया है। समाज के ऐसे गरीब वर्ग के लिए सदैव मदद करने की कोशिश करना, ये आपके स्वभाव में है। और उस दृष्टि से पार्टी के नेतृत्व ने जो निर्णय किया उसका हम अभिनंदन करते हैं। और मैं प्रोफेसर सिकंदर जी का जो नॉमिनेशन हुआ है विधिवत, इस अवसर पर इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आगे का जीवन इनका राज्यसभा के सांसद के नाते और राजनीतिक क्षेत्र में विधिवत एक प्रवेश के नाते सफल हो और आप संगठन को भी कॉन्ट्रीब्यूट करें, संगठन के मजबूत करने की दृष्टि से, और उसके साथ साथ में जो सामाजिक दायित्व जो आपके ऊपर इस प्रकार का हमारी पार्टी के केंद्र के नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने दिया है, उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे पार्टी के प्रदेश के सामान्य अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी और पार्टी का पूरा संगठन, सब लोगों ने सारे विषय को लेकर के जब केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा की तो सब एक सहजता से, सरलता से जो है एक मिनट के इसमें चर्चा में जो है वो सहमति पर आए और प्रोफेसर सिकंदर जी के नाम पर सब लोगों ने सहमति दी। इस बात के लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। लेकिन ये देखिए, वही सिकंदर कुमार ने नामांकन भरने के बाद कहा कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा किया है। उन्होंने केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद किया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट सांसद आनंद शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के बाद रिक्त होने जा रही है। यह सीट 2 अप्रैल 2022 को कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हो रही है। हिमाचल में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, 2 सीटें बीजेपी को तो 1 कांग्रेस के पास है। अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी की नेत्री इंदु गोस्वामी को और कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा राज्यसभा के सदस्य हैं। इसमें जेपी नड्डा वर्ष 2018 में दोबारा चुने गए हैं। इंदु गोस्वामी हाल ही में राज्यसभा सदस्य बनी है, जबकि आनंद शर्मा 2016 में चुने गए थे। उनका 2 अप्रैल 2022 को कार्यकाल पूरा होगा। ऐसे में कांग्रेस का विधानसभा में बहुमत न होने के कारण सिकंदर का राज्यसभा जाना तय है। सर्वप्रथम तो मैं राज्यसभा का प्रत्याशी बनाए जाने पर अपने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री परम श्रद्धे नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी,
और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी और हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी विधायकों का और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे प्रत्याशी घोषित किया। और आप सबका भी, मैं आज आप इस मेरे नामांकन के मौके पर आए हैं, आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। और अभी मैंने नामांकन दाखिल किया है, जैसे रिजल्ट आएगा फिर मैं आपको वो विषय क्लियर करूँगा कि किस तरह से आगे बढ़ूँगा। धन्यवाद। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।